हो ओके, सो गुड इवनिंग माय डियर ब्यूटीफुल गर्ल्स। बच्चों आज अपन 3D शुरू करना। 3D हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में, याद आया? यस तो मैम। बच्चे डायरेक्शन रेशियोज क्या होती थी? अगर मेरी एक लाइन दे रखी है, उसका कोई वेक्टर दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो अपन ने पढ़ा था कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी। ए बी सी, इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी डियर। यस मैम। यस और मैम। अगर इसका मैग्नीट्यूड आर मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो आप बोलोगे कि ए बाय आर का मैग्नीट्यूड, बी बाय आर का मैग्नीट्यूड और सी बाय आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है बच्चों? ये क्या है? ये डायरेक्शन को साइंस है डियर। कुछ याद आया? यही पढ़ा यस था। मैम। और हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और डायरेक्शन कोसाइंस है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, और अपन को दिख भी रहा है कि एक ही कांस्टेंट फैक्टर से वो डिवाइडेड है, तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शनल है, राइट? ये पढ़ा था। तो एक चीज और इम्पोर्टेंट बात करी थी, तो मुझे बताइए कि भाई आपने, अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि मुझे ये बताइए, टू डायमेंशनल लाइन और थ्री डायमेंशनल लाइन में क्या डिफरेंस था? मैम एक में स्लोप होती है, एक में स्लोप। तो इसका मतलब 2D में स्लोप का काम था, जाने की अगर अपन सही सही बात करें तो आपकी हिमाचली भाषा में ढलान बोलते हैं, याद आया? वो बोलते हैं ना, इस सड़क की ढलान थोड़ी कम है थोड़ी ज्यादा है, पानी नीचे को जाएगा नहीं जाएगा, क्या कहते हैं? यस तो थ्री थ्री डी में स्लोप का कोई काम नहीं होता। 3D में कौन काम करते हैं? वेक्टर्स। वेक्टर्स में भी कौन काम करते हैं? आपके डायरेक्शन को साइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, मैम। राइट बच्चों? या मैम। ठीक है, तो ये आपको कुछ मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, लेट मी नो किस किस ने कर ली, किस किस का डाउट है। हाँ जी बोलिए, किसका डाउट है? दीपिका और जिया करके आए हैं, बाकी कोई नहीं करके आया, बाकियों को टाइम ही नहीं लगता, यही वेल्ले है ना। हाँ जी, जिन लोगों ने कर लिया वो डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी दीपिका और जी, आपका कोई डाउट है बच्चे बोलो। यस मैम। मैम क्वेश्चन नंबर 20 तो वो बता दो आप। 20th कहते हैं एजिस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप जो है वो 3-2-1 है। पैरेलल पाइप के बारे में हमने अभी बात नहीं करी, शायद क्रॉस प्रोडक्ट होता है पैरेलल पाइप। यस मैम। देन द एंगल बिटवीन अ ए पेयर ऑफ डायगनल्स गिवन बाय, तो आपका जो पेयर ऑफ डायगनल है उसका एंगल कौन बताएगा? किसी को कोई आइडिया है? तो बता दीजिए। हाँ कैसे निकालेंगे? बोलिए बच्चों। माय डियर गर्ल्स, अगर आपको एजिस दे रखी है, ठीक है, मुझे ये दे रखा है कि भाई मेरे लिए पैरेलल पाइप की जो एजिस है वो 3-2-1 है, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि जो डायगोनल 1 है वो 3i कैप + 2j कैप + k कैप है, और जो डायगोनल 2 होगा उसका i का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो जाने की -3i कैप + 2j कैप + k कैप। इन द सेम वे जो डायगनल 3 है उसमें क्या करिए, उसमें जे का साइन चेंज कर दीजिए, डायगनल 4 में के का साइन चेंज कर दीजिए। क्लियर है? बोलो क्लियर है या नहीं? तो बच्चे आपको कॉस अल्फा जो है फिर D1 D2 में निकालना है, फिर कॉस अल्फा D2 D3 में निकालना है, और फिर कॉस अल्फा आप किस में निकाल देना, D1 के साथ ही निकाल लो सबका, D1 D2 में, D1 D3 में और D1 D4 में, क्या निकाल लोगे? जो भी ऑप्शन सही आंसर दे रही होगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? इज ए मल्टीपल? यस मैम। ओके, किसी को भी डाउट है यहां तक?
बोलिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम शुरू करते हैं डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो भाई अब देखिए, अभी अपनी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखो जी मेंस के लिए ना, अगर मैं बार बार बोल रही हूँ, मेंस के लिए मेरे पास लॉजिकली तीन चीजें थी, डायरेक्शन कोसाइन थे, डायरेक्शन रेशियोज थे, लाइन थी और प्लेन था। ठीक है, प्लेन अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट था और ये कट गया, तो जाने कि अब मेंस जो है वो इसी चीज पे फोकस करेगा। और मेंस 2023 में मेंस ने इस पूरे चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस पर शिफ्ट पूछ लिए थे, याद आया, बताया था ना मैंने। तो भाई अगर 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछ लिए, तो मुझे इन सब चीजों पे फोकस करना होगा ना, कि इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जाने कि अगर अभी कुछ आगे पीछे भी करेगा तो 2 क्वेश्चन तो देगा ही देगा, 3 भी दे सकता है। एग्री? यस मैम, मेरे को अगर मैं स्ट्रेट लाइन को अच्छे से चबा दूं, सही बोलते हो ना देसी भाषा में, अगर इस चैप्टर को चबा दूं तो मेरे 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। रेडी यस है ना? तो भाई अब देखिए स्ट्रेट लाइन की बात क्या हो रही है। कहते हैं स्ट्रेट लाइन जो है ना, वो आपको 2 चीजों में लाइन की इक्वेशन देगा। क्या? एक तो लाइन होगी कि भाई मुझे एक पॉइंट गिवन होगा, 2 चीजों में बात करेगा। एक आपको देगा कि एक तो पॉइंट गिवन है, गिवन पॉइंट है कि किससे लाइन पास हो रही है, एंड पैरेलल टू वेक्टर, किसी वेक्टर के पैरेलल है। और दूसरी कंडीशन क्या देगा? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में से पास। अगर ये 2 कंडीशंस है जिससे मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है, तो फटाफट कॉपी पेन के साथ रेडी रहना। मेरे पास मान लीजिए कि कोई भी ए पॉइंट है जिससे मेरी लाइन पास हो रही है, क्लियर, ये मेरा गिवन पॉइंट है, और आर मेरा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, यानी कि जो आपने लिया जनरल पॉइंट, क्लियर। और बी यस जो है वो मेरा वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर, राइट बच्चों? तो कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि भाई जो ए आर है, जो ए आर है उसकी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आर माइनस ए के बराबर आएंगी, राइट? यस और मैम, जो ए आर है गर्ल्स, वो पैरलर है बी के। तो मुझे पता है दो वेक्टर्स अगर पैरलर है तो उनमें कंडीशन क्या होती है, कि भाई ए आर जो है वो लैम्डा टाइम्स बी होगा। बच्चों आर की वैल्यू आपने निकाली, आर माइनस ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी। तो फाइनली जो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई ना ऐश्वर्या, वो कितनी बन गई? आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। यस क्लियर है जी मैम, सबको? सानवी ठीक है जी? यस मैम, ओके। अब देखिए फिर ये आपके पास था, अगर आप इसी में ये मान लीजिए कि कोई जो ए वेक्टर है वो मान लो आपका A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप है, राइट बच्चों? और जो आर वेक्टर है आपने उसको मान लिया X i कैप प्लस B j कैप Y j कैप प्लस C Z k कैप, और जो मेरा बी वेक्टर है उसको मैंने मान लिया L i कैप M j कैप N k कैप। कर लेंगे? यस सर मैम, तो बच्चों अगर इतनी चीज आप लोग कर सकते हैं, तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि आर माइनस ए का मतलब है एक्स माइनस एक्स ए माइनस ए आई कैप प्लस वाई माइनस आर बी माइनस ए टू होगा जे कैप A2 j कैप प्लस प्लस जेड जेड माइनस कैप ए थ्री के कैप माइनस जे कैप जो किसके बराबर होगा? लीना लैम्डा टाइम्स लैम्डा लाई एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस बी जे प्लस एम कैप। के कैप। तो अब आपको पता है कि ये दोनों पैरलर है, और दो वेक्टर्स अगर बराबर हैं तो इसका मतलब उनके आई के कोफिशिएंट बराबर होंगे, वाई के बराबर होंगे, जे के बराबर होंगे, के भी बराबर होंगे। तो यस मैम, यस मैम, इसका मतलब आपके पास आ गया एक्स माइनस A1 अपॉन L वाई माइनस A2 अपॉन M इज इक्वल टू जेड माइनस A3 अपॉन N, और वो किसके बराबर है? L। और ये जो इक्वेशन बनी जिसके बीच में आपका आई जे के नहीं आया, इस इक्वेशन को अपन ने बोल दिया, दो इक्वेशंस बन गई, दोनों ही सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें वेक्टर आया उसको आपने बोल दिया कि ये वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है। तो
कार्टेशियन ये कार्टेशियन फॉर्म, क्या सबने नोट डाउन कर लिया? यस मैम। मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जहां मुझे लगेगा मुझे वेक्टर फॉर्म यूज करनी है मैं वेक्टर यूज करूंगी, जहां मुझे लगेगा कार्टेशियन से फायदा है मैं कार्टेशियन यूज करूंगी। क्लियर है? यस मैम। अल्टीमेटली मैं सेल्फिश हूँ, मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज करूंगी। ठीक है जी? यस मैम। ठीक है, तो अगर मुझे, अगर मुझे मान लो, अब मैं आपको एक चीज बोलूं कि अगर मुझे कोई लाइन इस इक्वेशन फॉर्म में दे दी, तो आप इस इक्वेशन को देख के क्या जज कर पाओगे कि मेरी जो लाइन है उसका पासिंग पॉइंट कौन सा है? यस मैम। बोलिए कितना होगा पासिंग पॉइंट? एक्स वन वाई वन जेड वन। अरे ग्रेट, एक्स वन वाई वन जेड वन। और इसका जो पैरेलल वेक्टर्स है, पैरेलल वेक्टर या फिर आप बोल दीजिए जो इसकी डायरेक्शन रेशियोज है इस लाइन की, वो कितनी हो जाएंगी? ए बी सी। और बच्चों डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन को साइंस को लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में रखते हैं, ब्रैकेट्स में नहीं रखते। क्लियर है? यस मैम। क्योंकि ये सिर्फ एक वे है इनको अलग दिखाने का कि भाई ये आपके पॉइंट नहीं है, दे आर द डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर है? तो कितने लोगों को पहली फॉर्म ऑफ लाइन समझ आ गई और अपनी अपनी लैंग्वेज में नोट कर ला? राइट? यस मैम। अभी देखिए नेक्स्ट। अब अगर मैंने आपको ये तीन इक्वेशंस दे दी कि भाई अगर मेरे को ये पॉइंट दे रखा है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये बाद में चेक करेंगे, भाई अगर मुझे पॉइंट दे रखा है, मुझे पैरेलल वेक्टर दे रखा है, क्या आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म एज वेल एज वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो? यस मैम। तो भाई कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए ऊपर पॉइंट माइनस करते जाएंगे और आई जे के का कंपोनेंट नीचे डिवाइड करते जाएंगे, राइट? यस मैम। और अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखनी होती ना ऐश्वर्या, तो मैं क्या लिखती पलक? R vector is equals to I cap plus J cap minus 2K cap plus lambda times I cap plus 2J cap plus 3K cap IL. What do you say? मैम R minus नहीं होगा? अरे प्रिशु जी आ गए आप? समझ गई, खोल दिया। यस मैम। ठीक है, क्योंकि मेरे पास, मैंने फाइनल इक्वेशन जो बनाई थी वो R is equals to A plus lambda B बनाई थी ना? यस मैम। ठीक है, तो भाई अगर सेकंड वाली में मुझे पॉइंट दे दे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो भी अपने आप में पैरेलल वेक्टर है ना? यस मैम। ठीक है, और दूसरे वाले में डायरेक्शन कोसाइंस दे दिए, अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस दे दे तो लॉजिकली मुझे पता है इससे डायरेक्शन रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शनल, तो मेरे पास 1 2 3 आ जाएंगे। 1 2 मैम। यस मैम। ठीक है, तो सबको 1 point parallel to the vector equation of line दिमाग में सेट हो गई? Yes ma'am. Save in your memory? Yes ma'am. अगर save हो गई है तो मेरे को फटाफट इन तीनों parts का आप लोगों से answer चाहिए, quick वाला, कि भाई मेरे को पता चले कि इतने ये हिमाचल वाले बच्चे B01 वाले बहुत sharp हो गए हैं, इनको बोलना ही नहीं पड़ता answer देने के लिए। आप बोलोगे मैम आपने तो इजी करा दिया, हमें टफ दे दिया, ये कभी कभी जो शातिर बच्चे होते हैं ना अवंतिका जैसे, ये सब बोल देते हैं मैम को कि खुद तो मुश्किल करा कर, इजी वाला कर दिया, हमें मुश्किल दे दिया। ए पार्ट में बताती हूँ डियर बच्चों, आपको जब भी बात करनी है मुझे आपको एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट प्लस 1 बनाना है। क्लियर है? Yes, क्या बनाना है? प्लस 1। तो आप इसको लिखेंगे कि भाई x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 बनेगा इज इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 बन जाएगा इज इक्वल्स टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1। तो बच्चे इसकी डायरेक्शन रेशियोज कौन सी हो जाएंगी? 1/4, 1/4, 1/2, 1/1। ठीक है, तो देखिए सबको क्लियर है? किसी बच्चे ने हैंड रेस करा था तो बता दीजिए।
मैम आपने फर्स्ट में 4 से डिवाइड किया ना, हाँ जी, 4 से डिवाइड करा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब अगर यस मुझे मैम। बी पार्ट के बारे में बात करनी है, तो बी में देखिए जेड की कोई इक्वेशन नहीं है, लेकिन जेड दोनों में कॉमन निकल सकता है, मतलब दोनों में जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि एक्स माइनस 3/2 जो है वो जेड के बराबर है। इन द सेम वे वाई प्लस 4/4 भी जेड के बराबर है। तो मुझे दिखा एक्स माइनस 3/2 वाई प्लस 4/4 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जेड माइनस 0/1। अब डायरेक्शन क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब मेरा एक्स वाई जेड का कॉफिशियंट क्या होगा, 1। ठीक भाई, तो भाई यहां से डायरेक्शन रेशियोज कितनी आ जाएंगी, टू टू फोर फोर वन अरे ग्रेट, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अब थर्ड वाला आप लोग करेंगे, मेरी नाक नहीं कटवानी, मतलब ये सी पार्ट था। बी आप लोग करने वाले, मैं लिख देती हूँ, एक्स माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू 2y प्लस माइनस 5/-3 एंड जेड इज इक्वल्स टू -1। टू माइनस थ्री मैम बाई डायरेक्शन टू रेशियो टू इज टू माइनस थ्री माइनस वन टू कॉमा बाई माइनस 3/2 और कोई नहीं, ले लो 2 मिनट, इतनी क्या जल्दी है, हमने कौन सा कोई ट्रेन लेनी है। मैम डायरेक्शन रेशियोज 2, -3/2 कॉमा वन हो जाएगी। वन, यस ओके, अगर ये 1 के बराबर होती तो क्या ये अलग से इक्वेशन दी होती। नो मैम। इसका मतलब इट माइट बी इक्वल्स टू जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यस मैम। तो मैं क्या इसको एक्स माइनस 2/2 y माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय -3/2 इज इक्वल टू जेड प्लस 1/0 कर लूं। हमें तो इनफाइनाइट क्यों चाहिए इनफाइनाइट नहीं ना होगी, मतलब डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है, और उसने तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दी नहीं ना, उसने तो बोला कि भाई मैं पॉइंट हूँ। इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई जो भी वेक्टर है उसका कंपोनेंट एक्स और वाई की टर्म में है, जेड में है ही नहीं, वो जेड में जा ही नहीं रहा, वो सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में है। क्लियर? क्योंकि ये आपको अलग से दिया, बराबर नहीं ना दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों चीजें लैम्डा के बराबर हैं, और इसको भी लैम्डा कर लेते हैं, जेड प्लस 1 लैम्डा के बराबर है, लेकिन ये 0 बता रहे, तो इस केस में इसका जो लैम्डा है वो 0 है, तो आप ये बोल सकते हो कि जेड प्लस 1/0 इज इक्वल टू लैम्डा। तो इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं ना पड़ा, नो मैम। ठीक है जी, बोलो क्लियर है। ठीक, यस मैम। अब अगर मैं अगली बात करूं बच्चों, कि मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, तो कैसे करूंगी। मैम आपने तो ऐसे कोई टाइप भी नहीं बताई। मैम ए वेक्टर निकाल लेंगे हम इससे, और बी वेक्टर आ जाएगा हमें जो इक्वेशन दी है। ओके, तो बच्चों कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। देखो ऐसी कोई टाइप होती नहीं है, ये दिमाग का खेल है। एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इस पॉइंट से पास करती है, इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि लाइन की इक्वेशन आर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 0 j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम दीपिका बी वेक्टर के बराबर है, राइटली ना। हाँ तो प्रीशु आपको यहां से क्या हिंट मिला, उन्होंने बोला कि भाई जो ये लाइन है, जो लाइन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, जाने कि इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर है, और इन दोनों लाइन की डायरेक्शन कौन सी है, दिस एंड दिस। अगर आप इसको मान लो कि ये B1 है और इसको B2 है, तो क्या B मुझे B1 क्रॉस B2 से नहीं मिल जाएगी। यस मैम।
क्योंकि उसने मेरे को बोला एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है। इट मींस ये दो वेक्टर्स है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये डायरेक्शन वो होगी। हमने क्रॉस प्रोडक्ट में उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी कि क्रॉस प्रोडक्ट का अपने आप में मतलब क्या है कि जो आंसर आएगा क्रॉस करके वो वेक्टर देगा जो दोनों के परपेंडिकुलर है। यस मैम। तो भाई अब यहाँ पे चेक हो जाता है सबका, भी देखते क्रॉस प्रोडक्ट किस किस को आती है। लेट मी चेक, मुझे बता दीजिए कि बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है। ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि आई जे के, मुझे बताना नहीं चाहिए था, देखती कि कौन डॉट करता है कौन क्रॉस करता है। -3, 2, -2, 5। लेट मी चेक, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का भी टेस्ट हो गया कि आपको डिटर्मिनेंट आता है या नहीं, और ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आती है या नहीं। फटाफट बी वेक्टर की वैल्यू निकाल दीजिए। मैम 29 आई कैप -16 जे कैप -18 की कैप। अरे वाह, किसकी आ गई है वैल्यू। तो कहते 29 आई कैप -16 जे कैप -18 के कैप, क्या सबका आंसर आया। यस मैम। यस मैम, सबका यस थम्स अप, बहुत सारे थम्स अप, एक ही आया, दो तीन। अरे वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अरे वाह क्या बात। तो इतने सारों के थम्स अप आ गए। अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूं तो भाई मुझे ये पता चल गया कि बी कितना है, तो मेरा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन कितना बन गया। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 29 -16 जे -18 के। और बच्चों अगर मुझे इसका कार्टीजन फॉर्म लिखना होता तो कितना आता। मैम x-29 अपॉन वन। ओहो, ये पॉइंट होता है प्रिशु, ये कैसी लाइन दिखती है बच्चे। आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, वेक्टर्स तो ये ए पासिंग पॉइंट है ना, तो एक्स माइनस वन 29 बाय 29 9 5 माइनस जीरो अपॉन 16 माइनस -16 राइट, और जेड प्लस वन -18। -18 तो क्या थोड़ी कंफ्यूजन दूर हुई। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, बढ़े आगे। यस मैम। यहां तक मैम एक किसी को, मिनट हाँ रुक जाओ, क्वेश्चन जी हाँ देखने दो। जी, यहां तक किसी को भी कोई डाउट है 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, क्योंकि कल वाली क्लास में भी अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार स्ट्रेट लाइन सबको आना चाहिए, जो आज की एक्स्ट्रा क्लास में उसमें स्ट्रेट लाइनिंग 2D शुरू करने वाली हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाली हूँ, उसमें अलग टॉपिक चलेगा, उसमें +1 का टॉपिक चलेगा। ठीक है यस मैम, मैम। अगर ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो बी वेक्टर सेम रहेगा ना। अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो बी वेक्टर सेम रहेगा। अगर ये इक्वेशन, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, अगर ये मेरे को क्वेश्चन कह देते ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये क्वेश्चन ऐसा बना देते कि भाई जो लाइन है वो पास कर रही है आपका सेम पॉइंट से जो आपको दे रखा है 1, 0, -1 से, एंड पैरेलल टू किसी भी एक लाइन के ले लो, सपोज करो आर इज इक्वल टू 2i-j प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स 2i+7j-3k। तो इसका मतलब उसने मुझे जो वेक्टर था वो इस लाइन की फॉर्म में दे दिया और मुझे यहां से वेक्टर उठा लेना, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती बच्चों। x-1/2, y-0/7 और z+1/-3। क्लियर -3 है, यस मैम। यस मैम। चले आगे। यस मैम। तो अभी देखो, आपने ये माना कि भाई एक पॉइंट था और मैंने काम कर लिया कि एक पॉइंट से। अब अगर मुझे ये देखिए, अब अपन ने क्या कह दिया कि भाई अगर आपको एक्स वाई जेड निकालना हो, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना कि भाई लैम्डा ले लो, तो एक्स कितना आ जाएगा ए लैम्डा प्लस x1, वाई कितना आ जाएगा बी लैम्डा प्लस y1 प्लस बी लैम्डा, और जेड कितना आ जाएगा z1 प्लस सी लैम्डा, राइट।
अगर मेरे से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई मेरा पॉइंट निकाल दो जो इस लाइन पे लाई करा, तो मैं निकाल सकती हूँ? ठीक यस मैम है, तो अगर ये ऐसा कुछ दे रखा है, अब मैंने यहाँ पे कोई आंसर्स नहीं दिए हैं, अब मुझे यहाँ पे आप लोग क्या देने वाले हो, मेरे को तीन चीजें चाहिए। आप लोग मेरे को कार्टेशियन फॉर्म दे दीजिए, आप लोग मुझे वेक्टर फॉर्म दे दीजिए, और मेरे को जनरल पॉइंट भी दे दीजिए। क्लियर है? अगर आपने ये तीनों चीजें कर ली और तीनों तीनों आपके सही आगे जाने की, यहां तक लाइन का कंसेप्ट मुझे क्लियर है? मैम, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट वाले की, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री आई कैप प्लस ओके, लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। ग्रेट भाई, लैम्डा टाइम सब लोग एग्री कर गए? यस मैम। किसी की गलत तो नहीं आई? नो मैम। ठीक है, तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म कितनी हो जाएगी मैम? एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस वाई माइनस टू अपॉन माइनस वन और जेड माइनस थ्री माइनस टू जेड माइनस थ्री अपॉन। ठीक है, अब ओके, अभी मैं जिसका नाम लूंगी ना वो मुझे बताने वाला है। अभी टर्न है, मुझे आंसर चाहिए, फटाफट आंसर चाहिए, ठीक है ना? मेरे को फिर वो नहीं, मेरे को आंसर बताएंगी सानवी। हे सानवी, हाय सानवी, मेरे को इसका जनरल पॉइंट बताएंगे? सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का, वन टू थ्री। अरे जनरल पॉइंट जाने की, जो आप आर लेते हो इस पे मैम। अच्छा आर, यस मैम, मैं बताऊं, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर ना। अगर ये लैम्डा है, इसको कार्टेशियन फॉर्म को लैम्डा लीजिए, अब करिए। यस मैम। क्या लैम्डा प्लस वन? यस मैम। हाँ जी सानवी, सानवी ऐसा सोचिए ना, एक्स माइनस वन अपॉन वन लैम्डा के बराबर है, तो एक्स माइनस वन लैम्डा के बराबर हुआ, तो एक्स लैम्डा प्लस वन के बराबर हुआ ना। यस मैम। तो अगला वाई माइनस टू इज इक्वल टू लैम्डा, मैम ये हो जाएगा वाई लैम्डा प्लस टू माइनस लैम्डा प्लस टू, माइनस लैम्डा प्लस टू। नेक्स्ट मैम माइनस लैम्डा प्लस थ्री। अरे क्या कर रहे हो सानवी? सानवी ध्यान से देखिए बच्चे, इसी चीज को वाई माइनस टू को माइनस वन लैम्डा के बराबर करा था, तो वाई माइनस टू माइनस लैम्डा आया था, तो वाई की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस टू आई ना बच्चे, तो जेड माइनस लैम्डा करोगे तो कितना आएगा? टू लैम्डा प्लस थ्री। ठीक है सानवी, गलती पता चली। ओके, अब अगली अगली टर्न है नीति की। हाय नीति, नीति आप हो क्लास में? ओके नीति, हैंड रेस करके बता दो अगर आपका कुछ माइक इशू है तो। सुनिधि, हाय सुनिधि, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही होगी ना। चल शिवानी तू ही बता दे फिर। शिवानी वेक्टर फॉर्म बता। मैम सेकंड की, हाँ मैम, आई माइनस टू जे एम आई माइनस जे प्लस टू के। ओके प्लस लैम्डा टाइम्स प्लस लैम्डा टाइम्स प्लस जे आई प्लस थ्री के प्लस प्लस जीरो थ्री के। ठीक है जी। और पलक, क्या आप मुझे इसका कार्टेशियन फॉर्म बता सकते हो?
हाँ जी प्रीशु, आप बता दीजिए। यस मैम। मैम एक्स माइनस वन अपॉन वन, वाई प्लस वन अपॉन जीरो ओके एंड जेड माइनस टू अपॉन थ्री। ओके। अवंतिका, अवंतिका जनरल पॉइंट बता फटाफट। एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। लैम्डा प्लस वन होगा। यस यस मैम। मैम, सॉरी मैम, सॉरी उल्टा बोल दिया। ओके ओके लैम्डा माइनस वन। अरे क्या कर रहे बच्चे, इसको जीरो के माइनस बराबर वन, करना होगा तो माइनस वन माइनस लैम्डा वन। वन इक्वल टू माइनस वन, थ्री लैम्डा प्लस टू। थ्री लैम्डा प्लस टू। प्लस टू। ठीक है, तो भाई जिस जिसको नहीं आता था उसको आ गया अभी। हाँ मैं कहाँ पे गलत हूँ, कई बार अपन को ना जब टीचर करा रहा था तब तो ऐसे लगता है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बाद में फील होता है तन्वी की भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया। राइट यस मैम, बिकॉज़ मुस्कान? यस तो मैम, ये दो दो, हाँ जी बोलिए, दो पार्ट्स ने मुझे सारी चीजें बता दी कि भाई एक पॉइंट एक वेक्टर दिया हो तो मुझे कैसे डील करने। सब एग्री हो, सबने नोट डाउन कर लिया? अब देखो यस मैम, इसी के बेस पे ना 26 जुलाई 2022 में क्वेश्चन बन गया था, दिखा। अभी अभी तक अपन 2 पॉइंट फॉर्म पे गए नहीं है। अभी तो हमने क्या करा है, अभी तो हमने सिर्फ इतनी बात करी कि भाई मेरे पास एक पॉइंट था एक लाइन पे। राइट बच्चों, यस मैम, अभी तक मैंने उस चीज पे गई नहीं कि भाई अगर मुझे 2 पॉइंट दिए होते तो मुझे कैसे डील करना है। अगर वैसे मुझे 2 पॉइंट दे भी देते तो मैं कैसे डील करती। उसका पहले पोजीशन वेक्टर देखते शायद। अभी अभी आते हैं उस चीज पे भी। तो पहले ये बताइए, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा। कहते क्यू एंड आर आर 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 226 फ्रॉम दिस पॉइंट, द स्क्वायर ऑफ द एरिया। तो मुझे एरिया निकालना है, तो कैसे कैसे मैं बात करूं। तो क्या कहते हो, क्या कोई बात बनेगी? हम पहले क्यू और आर पॉइंट्स को अलग अलग करके देख लेंगे। बच्चों देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कोई एक लाइन है, ये लाइन है, इस पे 2 पॉइंट है, एक क्यू है और एक आर है, और आपका यहाँ पे एक पी पॉइंट है जो कि 427 दे रखा है। राइट, यस मैम, पी से इसका डिस्टेंस भी √26 है और पी से इसका डिस्टेंस भी √26 है। क्या इतनी बात सही है? यस मैम, तो माई डियर गर्ल्स, आपको ये पता है ना कि अगर ये लाइन की इक्वेशन एक्स प्लस लैम्डा बाई टू वाई प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस वन बाई टू है, अगर इसको लैम्डा ले लूं तो मेरे पास इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट आ जाएगा जो आप अभी आपने निकालना सीखा, वो 2 लैम्डा माइनस 1। -1, 3 λ-2 एंड 2 λ+1। ठीक है, तो सबको क्लियर है? तो वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, इट कैन बी क्यू इट कैन बी आर, क्योंकि क्यू आर भी तो इसी के ऊपर जनरल पॉइंट्स है। अगर ये मैं मान लूं कि भाई ये कोई भी क्यू पॉइंट है, मान लीजिए कि ये कोई भी क्यू पॉइंट है, तो आप क्या ये निकाल सकते हो कि भाई अगर ये पॉइंट है तो इसका इससे डिस्टेंस √26 है। तो क्या 20 √26 का जो स्क्वायर है बच्चे, और इसका 4 से, तो 2 λ-4, तो 2 λ-5 का स्क्वायर प्लस 3 λ-4 का स्क्वायर
प्लस टू लैम्डा माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, क्या इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं? कितना आएगा? फोर लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 24 लैम्डा। एग्री? यस मैम। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना बना? चार चार 16, 16 और 9 25, तो 25 लैम्डा स्क्वायर। फिर इसको ऐड करना कॉन्स्टेंट्स को, 36, 30, 10 और 20, ये 60 बन गया। 60 और 72 कितना है? 68 ये 68 बना। ओके 68 लैम्डा, और ये 26 के बराबर आ गया। और इधर आपके पास कितना बन रहा? अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो 25 प्लस इसको मिला के बना 52, राइट? और ये इधर, अगर ये इधर जाएगा तो माइनस वन, तो आपके पास अल्टीमेटली बन रहा है 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 68 लैम्डा, और मेरे पास बना प्लस 51 इज इक्वल टू जीरो। क्या ऐसी टर्म बनी है आप लोगों के पास भी? तो इसके आपको क्या करने होंगे? अल्टीमेटली सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक को, यस और नो? और भी कोई शॉर्टकट हो सकते हो? भाई मुझे ऐसा बनाना है कि 26 बन जाए, तो मुझे 26 के लिए इसके स्क्वायर ऐसे सोचने होंगे जिससे 26 बन रहा होगा। और मुझे पता है कि अगर स्क्वायर किसी चीज का होगा तो 1, 9 और 16 से 26 बनेगा, और कोई स्क्वायर नहीं है, राइट? तो भाई मुझे ऐसी टर्म पुट करनी है जिससे ये क्या हो, जिससे ये 1 बन जाए, 9 बन जाए, 16 बन जाए। तो मुझे ऐसा कुछ सोचना होगा। अगर मैं लैम्डा को 1 मान लेती हूँ, सबसे पहले 1 ही माइंड में आएगा, तो जैसे ही 1 माना तो मेरे पास ये कितना बना? 3, यानी कि 9। इसमें 1 माना, इसने 1 दिया, और इसमें 1 माना तो इसने भाई 16 दे दिया, तो 1 कन्फर्म है। फिर लैम्डा को 3 पुट करा, 3 पुट करना से कितना आएगा बच्चे? एक देगा, 5 25 दे देगा, नहीं 9 माइनस 5, क्या 3 पे कंफर्म हो रहे हैं? मम्मी हम कर क्यों रहे हैं? ये शॉर्टकट लगा रहे हैं कि भाई अगर ये मेरे पास बन जाएगा तो ये 0 दे देगा और 25, तो मेरे पास ये दो वैल्यूज कंफर्म हो रही है कि लैम्डा की दो दो वैल्यूज पुट करने से मेरे पास इसमें दो पॉइंट्स आएंगे। कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं? 1 पुट करने से कितना आया? 1 कॉमा 1 और कॉमा 3, राइट? और दूसरा पॉइंट कितना आया 3 पुट करने से? 5 कॉमा 7 कॉमा 7। तो बच्चे आपके पास दो पॉइंट्स आ गए कि 1113 है और दूसरा पॉइंट 577। क्या इतनी बात सबको सही है? क्लियर है? तो क्या अगर मुझे P का पॉइंट पता है, Q का पता है, क्या P Q वेक्टर की वैल्यू आप निकाल सकते हो? पोजीशन वेक्टर P R की पोजीशन वेक्टर्स निकाल सकते हो? यस मैम। अगर ये निकाले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर था? हाफ P Q क्रॉस P R का मैग्नीट्यूड। हाँ जी बोलो, आंसर आ जाएगा। यस मैम। मैम वो वंतिका बोल रही है, उसको पिछले क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो बता दो। पिछले में कौन से में डाउट है वंतिका? वंतिका पीछे वाला तो कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन था क्या? ये इसमें क्या डाउट है वंतिका, बताइए। वंतिका जी यही था लास्ट क्वेश्चन, क्या डाउट है इसमें बच्चे? मम्मी ये मेरे को मतलब आपने वो निकाला ना, वो समझ नहीं आया कि कैसे निकाला, पता नहीं काउंट कर क्या 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 मम आई इज इक्वल टू आई के माइनस जे के माइनस, ये कैसे निकाला? ये वाला बोल रहे हो जी बच्चे? ये पासिंग पॉइंट है क्योंकि आपने बात करी थी आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ए वो होता है जिससे मेरी लाइन पास होती है, बी वो होता है जो मेरी लाइन का डायरेक्शन देता है।
तो आपको जो पॉइंट दिया था आपने एज इट इज उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, और जो आपको पैरेलल का डायरेक्शन दे रखा था उसको एज इट इज वेक्टर में कन्वर्ट करके लिख दिया, ठीक है। वही इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? बच्चे बोलिए, रीसेंट क्वेश्चन है, लास्ट से लास्ट टाइम आया था, बताइए। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। यस नो, इसका मतलब नो। अब देखो ये आपको एक चीज दे रखी है कि आप लोग देख पा रहे हो क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मुझे दिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका और इसका मुझे निकालना क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो मैं पहली लाइन में पॉइंट निकाल लूंगी जनरल, वो सेकेंड लाइन को सेटिस्फाई करेगा और वहां से लैम्डा आ जाएगा। यही तरीका होता है निकालने का। बच्चे अगर इसको लैम्डा रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी फटाफट, जिसको तब नहीं आया था निकालना, लैम्डा प्लस वन आएगा, वाई कितना आ जाएगा, थ्री लैम्डा माइनस प्लस टू, और जेड कितना आ जाएगा, थ्री लैम्डा प्लस फोर, राइट। ये एक्स वाई जेड आ गए, प्रीशु इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ऐश्वर्या कितना बनेगा, टू इंटू लैमडा प्लस वन का होल स्केयर माइनस थ्री लैमडा प्लस टू का होल स्केयर प्लस थ्री लैमडा प्लस फोर का होल स्केयर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से लैमडा की आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये सुनो। तो बच्चे जो लैमडा की वैल्यू आई उसको यहाँ पे पुट कर देना, वो आपके क्या आ जाएंगे, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या क्लियर है? यस माई डियर गर्ल्स, ये बीच में ना रिस्पॉन्स आने बंद हो जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में क्लास शुरू होती है बातें करते हैं तब रिस्पॉन्स आते हैं, पढ़ने के टाइम रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है। यस मैम। हाँ मतलब सही मानते हो कि तब खत्म हो जाता है। तो ये मेरे को कौन बताने वाला है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात मैंने क्या करी है, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जहां पे ये दोनों कट करेंगे। आपने पॉइंट से पॉइंट निकाला लाइन से दूसरी में पुट कर दिया, तो जो उनका पॉइंट बनेगा वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बच्चे। यस मैम होगा। ठीक है तो क्या सॉल्व कर लेंगे इसको, छोड़ दूं ये मैं करवाऊं, बता दो एक बार मैम, करवा दो। ओके बच्चे, टू इंटू लैमडा स्केयर प्लस वन प्लस टू लैमडा बनेगा, माइनस नाइन लैमडा स्केयर माइनस फोर माइनस ट्वेल्व लैमडा बनेगा, प्लस नाइन लैमडा स्केयर प्लस सिक्सटीन, और मेरे पास बन जाएगा प्लस का 24 लैमडा इज इक्वल टू जीरो, राइट बच्चों? तो बच्चे ये तो कैंसिल हो गया, राइट? तो टू लैमडा स्केयर प्लस टू प्लस फोर लैमडा माइनस फोर और प्लस ट्वेल्व, तो प्लस का 12 हो गया 16 से, माइनस 12 प्लस 24, तो भाई 12 लैमडा बन गया इक्वल्स टू जीरो, राइट? यस मैम। टू लैमडा स्केयर प्लस 16 लैमडा प्लस 14 इज इक्वल्स टू जीरो, तो लैमडा स्केयर प्लस 8 लैमडा प्लस 7 इज इक्वल्स टू जीरो। क्या यहां तक कोई डाउट है? तो लैम्डा स्क्वायर प्लस सेवन लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई माइनस सेवन एंड माइनस वन। एनी डाउट? नो मैम। तो भाई बस यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे क्या बनेंगे, जब लैम्डा माइनस सेवन है तो मेरा पॉइंट बन जाएगा माइनस सेवन प्लस वन माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस 21 प्लस टू तो माइनस 19, और माइनस 21 प्लस 4 तो माइनस 17। एग्री? दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ दो है, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो है ना, क्योंकि ये पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन दे रहा है, राइट? बताइए क्लियर है? भाई जब माइनस वन होगा तो जीरो बनेगा, माइनस थ्री प्लस टू तो माइनस वन बन जाएगा, माइनस थ्री प्लस फोर तो वन बन जाएगा, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो। क्या सबको क्लियर है? हैंड रेस करके बता दीजिए कि भाई डाउट है, रिपीट कर दो अगर किसी का माइक नहीं चल रहा है।
बोलो बच्चों। ठीक है, सो सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो, नहीं क्लियर है तो थम डाउन कर दो। दो बच्चों के आए, बाकी को पता ही नहीं क्लियर है नहीं क्लियर। ओके, थोड़ी एनर्जी से बैठा करो, अभी एक्स्ट्रा क्लास भी है तो उसमें क्या करोगे, ऐसे ही बैठोगे? फिर मत बोलना कि मैम ने B02 को ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, अब मेरी बात सुनिए बच्चे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना आता है? यस मैम, ठीक है, यस मैम, उन्होंने बोला कि आपको क्या है कि दो लाइनों से मेरी जो लाइन है इंटरसेक्शन से वहां से पास होगी एंड ऑल्सो थ्रू द पॉइंट, तो एक और पॉइंट से पास होगी। तो बच्चे यहाँ पे मेरा कंसेप्ट जो आता है ना, वो आता है कि भाई टू पॉइंट से लाइन। तो बच्चे ध्यान से देखिए, अगर कोई लाइन है उसमें दो पॉइंट है, लिख लीजिए, टू पॉइंट वाला कंसेप्ट बता रही हूँ, टू पॉइंट कंसेप्ट। अगर कोई लाइन ए पॉइंट और बी पॉइंट से पास हो रही है और मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है, तो इसकी जो डायरेक्शन है, क्या वो इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन रेशियोज, क्या आप बोलोगे नहीं कि वो बी माइनस ए के बराबर है? यस मैम, तो भाई मेरी जो लाइन की इक्वेशन थी वो तो कुछ भी नहीं थी, वो मेरा पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम डायरेक्शन रेशियोज था, तो यहाँ पे बी माइनस ए आ जाएगा। बताओ क्लियर है? यस मैम, तो टू पॉइंट फॉर्म कुछ अलग तो है नहीं, वही सेम लाइन से कंफर्म्ड है, क्या कहते हैं? सही है, सही बात बोली। यस मैम, अब ये दो, अभी ये भी आप लोगों के लिए नई चीज है, इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं। दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, यानी कि पहली लाइन है x माइनस 1/2 y माइनस 2/-3 इज इक्वल्स टू z माइनस 3/4, और दूसरी लाइन है x माइनस 4/5 इज इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू z। तो भाई इसको लैम्डा के बराबर रख लेंगे, इसको म्यू के, सबने रख लिया। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 2λ+1, वाई की वैल्यू आ गई माइनस 3λ+2 और जेड की वैल्यू आ गई 4λ+3। अब इसी तरीके से लीना, एक्स की वैल्यू आ गई 5μ+3 और वाई की वैल्यू आ गई मतलब 2μ+1 और जेड म्यू के बराबर। अब आपको क्या दिया है दीपिका? दीपिका इन्होंने बोला कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, जाने कि इनका कॉमन पॉइंट है, यस मैम, तो ये एक्स वाई जेड कॉमन पॉइंट है ना, तो क्या मैं ये बोलूं कि भाई 2λ+1 जो है वो 5μ+4 के बराबर है? यस मैम, तो 2λ-5μ जो है वो 3 के बराबर हो गया। यस मैम, इन द सेम वे अगर जेड बराबर रख लूं तो 4λ- जो है वो 3 के बराबर हो गया माइनस का। और अगर इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4λ-10μ इज इक्वल्स टू 6, सब्ट्रैक्ट करा इक्वेशन को ये कैंसिल हो गया तो 9μ इज इक्वल्स टू -9, तो म्यू की वैल्यू -1 आ गई। यस मैम, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो आपकी इजी थी, इसी में कर लीजिए, म्यू -1 है तो 4λ इज इक्वल्स टू -4, तो लैम्डा की वैल्यू बचे -1 आ गई। अगर मुझे ये चेक करना है कि भाई ये सही है या नहीं, जो आपने यूज नहीं करा, वाई यूज नहीं करा, राइट, तो आप करिए -3λ+2 जो है वो 2μ+1 के बराबर है। लैम्डा को -1 पुट कर दीजिए, म्यू को भी -1 पुट कर दीजिए, जो आपने पॉइंट निकाले। अब चेक करिए 3+2 जब -1 करेंगे तो क्या पॉइंट सही आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन सही नहीं है, तो चेक करिए कैलकुलेशन कितनी आएगी। बच्चों कैलकुलेशन चेक करके बताइए कितनी आएगी। सही आ रही है, -1 -1 के बराबर आ रहा है। मैम, तो कहाँ पे गड़बड़ हुई, क्या अपनी कोई इक्वेशन गलत है?
माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू है और इधर से टू लैम्डा प्लस वन है और एक टू म्यू प्लस वन है, दोनों को बराबर करा तो भाई कहीं इक्वेशन में ही तो नहीं गड़बड़? मुझे लग रहा है इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, जहां तक मुझे लग रहा है कि इसकी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो होना चाहिए था, जो इसकी डायरेक्शन कोसाइन थी, ये वाला टाइम ये प्लस का होना चाहिए था, यानी कि थ्री लैम्डा प्लस टू बनना था। अगर ये थ्री लैम्डा प्लस टू बनता तो ये माइनस थ्री प्लस टू देता और ये माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन बनता। एग्री? तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, ये जो है ये प्लस का होना चाहिए, राइट? तो यस मैम। मेरे पास ये पॉइंट आ गया, अगर मैं बनाऊंगी तो मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है गर्ल्स, वो कितना बनेगा बच्चों? माइनस वन को पुट करिए, लैम्डा को किसी में ही पुट कर लीजिए, जो यस माइनस वन, मैम, माइनस वन और माइनस वन। कॉमा माइनस वन। अब एक पॉइंट ये पता चल गया, और दीपिका दूसरा पॉइंट कितना है? ये वाला, राइट? तो इस पॉइंट से पास कर लेते हैं, किसी से भी पास कर लीजिए, एक्स प्लस वन वाई प्लस वन जेड प्लस वन डिवाइडेड बाय सेकेंड माइनस फर्स्ट, टू माइनस माइनस प्लस वन थ्री डिवाइडेड बाय वन माइनस माइनस प्लस वन टू डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन। अवंतिका, प्रिशु, पलक, जिया, गुंजन, बताइए क्लियर है या डाउट है? सकीना, सानिया, रीमा, सीमा, बता दीजिए बच्चों, सबको यस मैम, क्लियर यस है? गुंजन, कोमल, मुस्कान, मैम, यस टीना। तो भाई ये हमारा एक पार्ट था, जहां तक आप लोग करके आएंगे, ये नोट्स मैं पूरे के पूरे शेयर कर दूंगी, पूरी की पूरी पीपीटी शेयर कर दूंगी, ठीक है जी? इसके बाद एक क्वेश्चन है ये वाला, जिसको मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग एज अ होमवर्क एक बार लगा के आएंगे, अगर नहीं होगा तो हम कल क्लास में लगाएंगे, राइट? यस मैम। तो इसी पीपीटी में जब आप लास्ट में जाओगे ना बच्चों, देखना ये होमवर्क दिख रहा है, ठीक है जी? तो इसमें मैं आपको क्वेश्चंस टिक करके दे रही हूँ कि भाई आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, C3 कर सकते हो, C4 नहीं कर सकते, एंगल वाला नहीं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन क्वेश्चंस कर सकते हो अभी के लिए, तो राइट, बस इतना ही करके आ जाना, और सारे जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको करके आना, सही है? कितने लोग करके आने वाले हैं? मैम, जो आपने टिक किए सिर्फ वही करने। वो करने हैं प्लस जो क्लास में कराया हो, जो क्लास में कराया, क्योंकि जो क्लास में कराया उसको तो दोबारा से करना बहुत जरूरी है, तभी कल वाली क्लास समझ आएगी। कल 3D खत्म हो जाएगा, फिर मंडे ऑनवर्ड्स आपका रेगुलर सेशन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी, और इधर आपका एक्स्ट्रा क्लास में अपन लोग जैसे 2 दिन स्ट्रेट लाइन को देंगे, फिर एक एक दिन चारों आपके सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपका दोनों तरफ से दोनों चीजें होती रहेंगी, ठीक है जी? यस मैम, थैंक ओके बच्चों, देन गुड यू। इवनिंग गर्ल्स, अभी 8:30 पूरे यस ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी? अभी फिर से मेरी क्लास, मैम, बाय ओके बच्चा, देन गुड इवनिंग एवरीवन, सी यू बाय। ऑल आफ्टर 15 मिनट्स।